हर शाम की तरह जब सूरज रात की आगोश में जा रहा होता है ना, तो वो समय मुझे काफी पसंद है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और गुमनाम सी जिंदगी से थोड़ा समय तो मैं खुद के लिए निकाल ही लेती हूँ। मुझे अपने फोन को साइलेंट मोड में डालकर, ईयरफोन को कान में लगाकर अपने पसंद की प्लेलिस्ट के साथ ना पार्क में टहलना बहुत पसंद है। तो हर शाम की तरह उस शाम भी ईयरफोन कान में लगाकर अपने पसंद की प्लेलिस्ट के साथ मेरी आंखें उन गानों के सुरों में अभी खो ही रही थी कि तभी मैं किसी से टकरा गई थी। जब नजरों को उठाया, बालों को थोड़ा सा हटाया और सामने देखा तो एक नौजवान खड़ा था। कद करीब 5 फुट 6, रंग गेरुआ और चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। वो स्माइल जो थी ना, थोड़ी मिलावटी थी, 22 कैरेट की थी, 24 कैरेट वाली नहीं थी। बस एक दूसरे को सॉरी बोला और निकल गया। हालांकि ये बात तो वहीं खत्म हो जानी थी, पर वो ऊपर वाला बहुत छलिया होता है। तो हर रविवार की तरह सुबह सुबह फिर से हम टहलने निकल गए। वैसे टहलना तो एक बहाना था, उस अब्दुल भाई की हींग वाली कचौड़ियों का नजराना पाना था। अब अब्दुल भाई की हींग वाली कचौड़ियों में क्या खास है? हमारे अब्दुल भाई जो है ना, वो हींग वाली कचौड़ियां नहीं बनाते। हर रविवार कुछ इक्के दुक्के लोग आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल थी, उसकी फरमाइश पे वो हींग वाली कचौड़ियां बनती है। अब वहां टेबल पर बैठ कर मैं कुछ ईमेल व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रही थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, एक प्लेट हींग वाली कचौड़ियां। अब तो भाई अपने पसंद वाले को ढूंढना जरूरी था। तो जैसे ही पलटी तो देखा एक ब्लू टी शर्ट, हाथ में रॉलेक्स की घड़ी और एक महंगा सुकोन। भाई अमीर ज्यादा है। हींग वाली कचौड़ियों की फरमाइश उन्हें देखने की कोशिश की तो उनका पीठ मेरी तरफ। वो जैसे ही पलटे तो बस मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। ये जो थे ना, वो 22 कैरेट वाले थे। वो आके मेरे टेबल पर बैठे। हालांकि इसलिए नहीं कि वो बैठना चाहते थे, इसलिए कि एक ही टेबल खाली थी। उस दिन उस हींग वाली कचौड़ियों के साथ कुछ बातें हमने शेयर की और फिर अपने अपने घर चले गए। अब ये बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी, पर वो ऊपर वाला बहुत चल गया है। तो हमारी मुलाकात फिर दूसरे दिन एक सिग्नल पर हो गई। उस दिन हमें पता चला कि हम दोनों का ऑफिस सिर्फ 10-12 कदमों की दूरी पर है, हम दोनों। उस दिन हमारा और उसका ऑफिस एकदम आजू बाजू में था और ये बात हमें नहीं पता थी। तो हमारी मुलाकात रोज की रोज होने लगी। तो उस 3 से 4 महीने के 80 से 85 दिनों के मुलाकात में मैं उनके बारे में काफी कुछ जान गई थी, यूं कहें वो मेरे बारे में काफी कुछ जान गए थे। हालांकि जैसे मुझे पता था कि वो बड़े जिद्दी हैं, थोड़े नकचरे हैं, उन्हें होम थिएटर पे फिल्में देखना बड़ा पसंद है और खाने में मीठा पसंद है और हाँ, फुटबॉल में ब्राजील की टीम को सपोर्ट करते हैं। खूबसूरत समय की एक खासियत होती है, वो बड़ी तेजी से बढ़ती है। अब इस अजनबी को जानते हुए मुझे पूरे 2.5 साल हो गए। अब मैं उसके बारे में वो सारी चीजें भी जानती थी, शायद कहीं ना कहीं मैं खुद भी नहीं जानता था। अच्छा, उसका नाम साकेत चतुर्वेदी है, थोड़े जिद्दी हैं, खाने में गोभी बिल्कुल पसंद नहीं करते, घर के इकलौते बेटे हैं और हर रोज ऑफिस जाने के वक्त अपनी शर्ट के साथ लड़ाई करते हैं कि कौन सी धोई हुई है, कौन सी दियो के साथ कुछ दिन और चलाई जा सकती है। पर इधर से हम दोनों के बीच लाइक खामोशी थी, अजीब सी खामोशी। शायद वो बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। मैं उसे सुनने की बार बार कोशिश कर रही थी पर सुन नहीं पाती थी। अब ना वो यूं मेरी झूठी तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो अपनी उंगलियों से उसकी हथेलियों पे काफी कुछ लिखा करती थी, अब उसे अच्छा नहीं लगता। मैं धीरे धीरे हारने लगी थी। तो एक दिन हिम्मत जुटा के पूछी हुआ, जाना चाहते हो मुझसे दूर? थोड़ी खामोशी के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा। पता नहीं उस दिन कुछ अलग था। कुछ दिन की खामोशी के बाद वो बोला कि कौन भी नाम है उसका, माँ ने पसंद किया है उसे, काफी पसंद करती है। मैंने बड़ी धीमी से उससे पूछा और तुम? फिर एक अलग सी खामोशी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उसने हाथ छोड़ने की नाकाम कोशिश, पर तब तक मैं पूरी तरह हार चुकी थी। इतने के बाद मैंने कहा कि जाओ, आजाद किया मैंने तुम्हें,
गिरफ्त तो प्यार की खूबसूरत होती है जनाब, खामोशी दूर। थोड़ी देर बाद वो उठा, फोन चार्जिंग से हटाया, टेबल पर से चश्मा उठाया जो मैंने उसे पिछले जन्मदिन पर दिया था, मेरे माथे को चूमा और एक सुकून भरी सांस ली। जब वो जा रहा था ना, तो जाते वक्त उसने दरवाजे को बंद कर दिया। वो अपना सारा सामान तो समेट चुका था, पर कुछ वापस करना था मुझे। जो मेरा सुकून था, मेरे जज्बात थे, मेरा दिल था, जो पूरे 24 कैरेट के थे, मेरा बल नहीं थे। मैं अब भी उसी सोफे पे बैठी हुई थी कि शायद वो दरवाजा खुले और वो वापस आए, मेरी चीजें मुझे वापस लौटाने। जो मेरा दिल था, मेरा सुकून था, मेरे जज्बात